आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी वनस्पति के बारे में जो हर सभ्यता में, हर समय काल में जिसका महत्व बहुत शानदार रहा है। केवल धन संपत्ति के मामले में ही नहीं, अपितु जीवन के बहुत सारे व्यवस्थाओं में इसका महत्व है। और उस वनस्पति का नाम है तेजपत्ता। नमस्ते जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज हम तेज पत्ते से जुड़े कुछ तथ्यों को समझेंगे। तेज पत्ते का कैसे हम उपयोग करें, कैसे उसकी रेमेडीज तैयार करें जिससे घर में धन संपत्ति आती रहे, घर में धन संपत्ति रुकी रहे, आपके पॉकेट में धन संपत्ति आती रहे, नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती रहे, घर में एक अच्छा माहौल बना रहे, सकारात्मक माहौल बना रहे, नए अपॉर्चुनिटीज आती रहे, घर में जो भी बाहर से आई हुई नकारात्मक ऊर्जा है वो हर रोज साफ हो जाए, क्लीन हो जाए, और रात को जब आप सोएं तो सही विचारों के साथ, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे वाइब्रेशन के साथ सोएं। इसके लिए तेजपत्ता के आज हम कुछ रेमेडीज जानेंगे जिन्हें सीखकर आप बहुत अच्छे तरीके से अपने घर को शांत रख पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जापान हीलिंग विधाओं को लेकर के बहुत सक्रिय रहा है, तो जापान में ऐसे कई शोध हुए हैं जिनमें से एक तेज पत्ते पे किया हुआ शोध है। तो सबसे पहली रेमेडी है तेज पत्ते के एक पत्ते को अपने घर में हर शाम अंधेरा होने के बाद जलाएं। किसी भी मिट्टी के पात्र पे या बर्तन में भी कर सकते हैं, लेकिन बर्तन काला हो जाता है, तो मिट्टी के पात्र में जिसमें धूप वगैरह जलाते हैं उसमें आप या तो कंडों के साथ सुलगा दें या फिर सीधे माचिस लगा करके आग लगा दें। तेज पत्ते की जो सुगंध, जो भीनी और कसेली सुगंध जो फैलती है, वो रिसर्च में प्रूफ हुआ है कि वो इंस्टेंटली मन को शांत करती है, कोर्टिसोल लेवल को कम करती है, आपका मन शांत होने लगता है अपने आप। जो दिन भर की सरदर्द, दिन भर के कलेश, दिन भर के प्रॉब्लम्स जो दिमाग में चल रहे हो, उससे हमें आराम मिलना शुरू हो जाता है, अपने आप हम मुक्त हो जाते हैं। अब तो की बातों को छोड़ करके, पुरानी बातों को छोड़ करके प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है कि अभी हम अपने घर में हैं, सुख में हैं, शांति में हैं, घर का खाना मिल रहा है, घर हाँ वहाँ जाले लगे हुए हैं, हाँ पंखे में थोड़ी गंदगी है, हाँ इसको थोड़ा सुधार देते हैं, इसको ठीक कर देते हैं, अरे आज तुम कितने सुंदर लग रहे हो, अरे वाह घर में कितनी सुंदर खुशबू आ रही है, अरे हमने ये कब लिया, अरे ये अभी तक चल रहा है, अरे ये कितना अच्छा है, अरे इस तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं कि वर्मा जी कि हाँ कितना अच्छा वो आया है, उन हम भी ऐसा कुछ लेने के बारे में सोचते हैं, चलो कहीं घूमने चलाते हैं, कोई ट्रिप प्लान करते हैं। इस तरह के अच्छे विचारों को सिर्फ मन शांत होने की वजह से आने शुरू हो जाते हैं। तो तेजपत्ता रोज़, एक तेजपत्ता, ऐसा नहीं ढेर सारा जला दिया कि बहुत सारे विचार, नहीं वैसा नहीं बेटा, एक तेजपत्ता किसी एक जगह पर जलाएं जहाँ से घर में वो सारी सुगंध फैल जाए, या जला के पूरे घर में धोनी कर सकते हैं। दूसरी रेमेडी इसी में ये कि उसमें अगर दो तीन कपूर के दाने डाल दिए जलाने के समय में, तो कपूर और तेजपत्ता जब आपस में जलते हैं तो उससे जो महक पैदा होती है वो नकारात्मक ऊर्जा को एकदम से क्लीन करती है। किसी की नज़र है, कहीं से होकर आए हैं, किसी जगह से होकर आए हैं, कहीं दूसरी जगह से होकर आए हैं, तो हमारे साथ बहुत सारी एनर्जीज आ जाती हैं, हमारे कपड़ों के साथ, हमारे ऑरा के साथ बहुत सारी एनर्जीज आ जाती है। तो उन एनर्जीज को कपूर और तेज पत्ते की जो खुशबू फैलती है उससे वो सारी ऊर्जा ख़त्म हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों को जो ईवी लाइज आ जाती है, नज़र लग जाती है, वो सारी नज़रें ख़त्म हो जाती है। इसी में तीसरा एक और रेमेडी ये हो सकता है कि घर में जो नई गाड़ियाँ ली हैं या पुरानी गाड़ी, जैसा भी आपको लग रहा है कि आजकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आवाज़ आ रही है, ख़राब हो रही है, सब कुछ तो सही था, किसी की नज़र तो नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी है, तेज पत्ता और कपूर को धोनी चलाएं आपस में और 7 times क्लॉक वाइज और 7 times एंटी क्लॉक वाइज उतार दे। ऐसा आप पर्सन के साथ भी कर सकते हैं, मिट्टी के बर्तन में ऐसे किसी भी बर्तन में जलाया, लगाया 7 times क्लॉक वाइज, 7 times एंटी क्लॉक वाइज उतार दिया, तुरंत नज़र उतर जाती है, तुरंत नज़र शांत हो जाती है। एक सवाल मन में आ सकता है कि जलाने के बाद उस राख को क्या करें, अपने घर के किसी गमले के मिट्टी में डाल दें और पानी डाल दें, उससे क्या है वो मिट्टी में समा जाएगा, या किसी पेड़ के नीचे पानी डालकर उससे विसर्जित कर दें। चौथी रेमेडी, अपने एक साबुत तेज पत्ते को, चाहे छोटा हो या बड़ा, साबुत तेज पत्ते को अपने
कैश बॉक्स में रखो, बहुत अच्छी रेमेडी है, हमेशा से बहुत सालों से पुराने समय से चली आ रही है। तो अपने अलमारी में जहाँ कैश रखते हैं, अपने पर्स में जहाँ कैश रखते हैं, वहाँ एक तेज पत्ता रखो। तेज पत्ते में आप ये एंजल नंबर भी लिख सकते हो, उससे वो और इन्हेंस हो जाएगा, है ना। तो तेज पत्ते को कैश वाले बैग में, बॉक्स में, पर्स में ज़रूर रखो, जिससे कैश फ्लो बढ़ेगा घर में, पैसों की बारिश होगी। यानी कि अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि तेज पत्ते के रहने से आपका ध्यान, आपका चित्त अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाता है, नए सोर्स की तरफ जाता है, नए बढ़त की तरफ जाता है, और आप फिर उस दिशा में चल पड़ते हैं क्योंकि वो दिख रहा है। पांचवी रेमेडी, मैनिफेस्टेशन। जो भी विषय है उसे मैनिफेस्ट करने के लिए हम तेज पत्ते का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सीधे ब्रह्मांड तक पहुँचता है अपनी खुशबू, अपनी वाइब्रेशन की वजह से। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक ऐसा वनस्पति है जो ऐसे ही काम करता है। तो कोई भी विश जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में, मैं खूबसूरत होना चाहता हूँ, मैं अमीर होना चाहता हूँ, मैं 1,000 रुपये कमाना चाहता हूँ, मेरी शादी होनी चाहिए, मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए, जो भी है उसमें लिखो और दोनों हाथों के बीच में रख करके ध्यान लगाओ, फोकस करो और अपने आप को उस जगह पर देखो, उस फील में ले करके जाइए। 4-5 मिनट लगते हैं ना, उसमें महसूस कीजिए। जब जैसे ही आप उसे महसूस करने लगें, जैसे ही आप महसूस करने लगे कि आप अमीर हो गए हैं या उस रिश्ते में हैं, या जो आप खूबसूरत हो गए हैं या आप सेहतमंद हो गए, अपने आप को जैसे ही आपने महसूस करने लग गए, थोड़ी देर के बाद यूनिवर्स को थैंक यू बोल के, भगवान जी को थैंक यू बोल के उस तेज पत्ते को जला दीजिए, मोमबत्ती में जला दीजिए, दिए में जला दीजिए, किसी चीज़ में भी जला दीजिए, जला करके उस हवा को फैल जाने दीजिए। अब जो जला हुआ राख है, जैसा कि मैंने बताया, गमले में बहा दीजिए। तो ये कुछ टिप्स थे, और इन सब के साथ एक बोनस कि तेज पत्ते रोज जलाने से घर में कीड़े मकोड़े, पिसू, ये सब चीज़ें दूर रहते हैं, उसके तेज स्मेल की वजह से दूर रहते हैं, और उसकी भिनी खुशबू की वजह से आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है। ये कुछ रेमेडीज थे जो तेज पत्ते के साथ हम कर सकते हैं। घर में काली शक्तियों को दूर रखने के लिए भी तेज पत्ता हमेशा से काम आया है, है ना जी। तो तेज पत्ते की ये रेमेडी बहुत काम आती है, इसे ज़रूर कीजिएगा, लोगों को भी बताइएगा और लोगों के हीलर बनिएगा। अल्टीमेटली मैं आपको एक हीलर बनना ही तो सिखा रहा हूँ, है ना। आशा करता हूँ आज का ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों, तब तक के लिए नमस्ते जी।